देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी प्याज और आलू के पकौड़े बनाए हैं। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको टमाटो सॉस या हरी चटनी, आप चाहे तो इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये दो आलू लिए हैं और दो प्याज लिए हैं। तो सबसे पहले हम इनको कट करेंगे। तो हम इनको इस तरह से गोल गोल कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह से हम सारे आलूओं को कट कर लेंगे। पहले आलूओं को कट करने के बाद अब हम प्याज को कट कर लेते हैं। तो प्याज को भी हम इस तरह से थोड़ा सा गोल गोल कट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको चौको भी कट कर सकती हैं। और अब हम इनको इसी साइज का, बहुत ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इस साइज का हम इनको कट कर लेंगे। और ये मैंने प्याज और आलू को अच्छे से कट कर लिया है। तो अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें मैंने पौना कटोरी बेसन लिया है, वो डाल देंगे। और ये 100 ग्राम बेसन है। और अब हम इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। आधी चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह जीरा भी डाल सकती हैं, लेकिन अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और 1/3 चम्मच हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे। और दो हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। और थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो घोल बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और घोल को हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना रहें। बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का इसका बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया था, जिसमें से आधा ग्लास पानी का इसमें यूज हुआ है। और अब हमने यहाँ पर घोल भी तैयार कर लिया है और आलू प्याज को भी कट कर लिया है। तो चलते हम गैस की तरफ पकौड़े बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं और अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा बेसन का बैटर डालेंगे और आप देख सकती हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, बैटर में हम 2-3 स्लाइसेस आलू की डालेंगे और ये 2 स्लाइसेस हम प्याज की डालेंगे। और इनको हम अच्छे से इसमें डिप करेंगे और इनको हम ऑयल में डालते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी प्याज को डिप करेंगे, इसको भी हम ऑयल में डालेंगे। और अब हम आलूओं को डाल देंगे इसी तरह से। और एक बार में जितने अच्छे से इसमें पकौड़े आ जाएं उतने हम इसमें डाल देंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे ताकि पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इनको नहीं सेकना है और इनको हम नीचे से अच्छे से सिकने देते हैं। पकौड़े नीचे से अच्छे से सिक चुके हैं और अब हम इनको पलट देते हैं। तो एक कलची की सहायता से हम इनको पलट देते हैं। और इसी तरह से हम दोनों साइड से इनको पलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और ये पकौड़े दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको हिलाते हुए निकालेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पकौड़ों को भी सेक लेते हैं। और इसी तरह से हम इन पकौड़ों को भी दोनों साइड से अच्छे से अलग पलट के सेक लेंगे। और ये पकौड़े भी हमारे सेक गए हैं और अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। और ये हमारे बहुत ही टेस्टी प्याज और आलू के पकौड़े बनके तैयार हैं।
आप इनको टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इनको चाय के साथ भी खा सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।